जय हिंद दोस्तों। दो फंडामेंटली मजबूत स्मॉल कैप स्टॉक्स जेके लक्ष्मी सीमेंट और सोनाटा सॉफ्टवेयर, इन दो स्टॉक्स के ऊपर स्टडी करने वाले हैं। साथ ही मैं आपसे कहना चाहूँगा, पिछले 5 दिनों से हमारी मुलाकात नहीं हुई है। जी हाँ, यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे पिछले 5 दिनों से हमारी मुलाकात नहीं हो पाई है, क्योंकि मैं अपने किसी पर्सनल कार्य में व्यस्त था और वहाँ पर मेरे पास इंटरनेट की कनेक्टिविटी भी नहीं थी। मैं शहर से बाहर था, सो इसी कारण हमारी मुलाकात नहीं हो पाई है तकरीबन पिछले 5 सेशन से। ऑल्सो कहना चाहूँगा, मार्केट में करेक्शन अच्छा हो गया है एंड इस करेक्शन में, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, लिस्ट बना के रखिए एंड फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स को एक्यूमुलेट कीजिए डिप्स पे। सो आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपने इस करेक्शन में कौन कौन से स्टॉक्स को खरीदा है तो कमेंट सेक्शन में बताएगा ज़रूर आपने कौन कौन से स्टॉक्स खरीदे हैं। ओके ऑल्सो पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था एंड वो ये था, बहुत जल्द हम जो है 4,000 सब्सक्राइबर्स का मतलब यू नो फिगर टच करने वाले। एक माइलस्टोन है हमारे लिए, कुछ लोगों को छोटा भी लग सकता है, बट हाँ हमारे लिए एक अचीवमेंट है। 4,000 सब्सक्राइबर्स से हमारा परिवार बड़ा बड़ा होगा एंड जैसे ही ये होगा हम सेलिब्रेट करने वाले। एंड सेलिब्रेट किस तरह से करेंगे? सेलिब्रेट हम इस तरह से करेंगे कि जैसे ही 4,000 सब्सक्राइबर हिट हो गए तो उस वीक में या उसके आने वाले मंडे में, अगर आप रेगुलरली चैनल फॉलो करते हो तो मैंने पहले भी कहा है, मैं जो पेड सर्विस चला रहा हूँ इंट्राडे आइडियाज़ की, जो मैं एक दिन पहले मतलब सेशन 9 बजे शुरू होता है तो रात को 10-11 बजे या 12 बजे के पहले इंट्राडे आइडियाज़ शेयर करता हूँ, उस वीक में यानी कि 5 सेशन मंडे से लेकर फ्राइडे तक वो सारे आइडियाज़ मैं सभी के साथ शेयर करूँगा। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं। सो जैसे ही यूट्यूब पे 4,000 सब्सक्राइबर सेट हुए हम वहाँ पे सेलिब्रेट करेंगे। ऑल्सो पिछले दिनों का जो अपडेट है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। और अपडेट क्या है? अपडेट ये है, सबसे पहले उन स्टॉक्स के नाम जहाँ पे टारगेट हिट हो गए, सबसे पहले त्रिवेणी इंजीनियरिंग ब्रेकआउट भी हुआ, टारगेट भी हिट हो गया है। फिर ग्रीव्स कॉटन 152 का ब्रेकआउट हुआ, 160 का टारगेट हिट हो गया। फिर BSE 1600 का टारगेट हिट हो गया एंड सोना कॉमस्टर यानी कि सोना BLW 735 का टारगेट हिट हुआ है। नेक्स्ट लंबी लिस्ट है जहाँ पे बढ़िया करेक्शन हो गया है, फंडामेंटली मजबूत स्टॉक है। कुछ मिड कैप है, स्मॉल कैप है, लार्ज कैप है और लिस्ट कुछ ऐसी है, अशोक लेलैंड, बजाज ऑटो, PVR, BDL, भारत डायनामिक्स, फिर PFC, बजाज फाइनेंस, बॉश, MRF, फिर HDFC बैंक, विप्रो, डी लिंक, बजाज फिनसर्व, बोडल केमिकल, श्नाइडर इलेक्ट्रिक, फेडरल बैंक, ऑन मोबाइल ग्लोबल। इस स्टॉक को मिस मत करो, 110 के आसपास घूम रहा है, काफ़ी सस्ता है। फिर हैटसन एग्रो एंड रूप फिला इंटरनेशनल। सो ये अपडेट है पिछले दिनों का, इस पे ध्यान जरूर दीजिएगा। अब हम फ्रेश स्टडी शुरू करने वाले हैं, दो स्मॉल कैप स्टॉक्स जेके लक्ष्मी सीमेंट एंड सोनाटा सॉफ्टवेयर। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, पिछले तकरीबन 2021 की शुरुआत से हम स्टडी कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए हो गया क्या, यहाँ पे हो गया एक ब्रेकआउट एंड इस लाइन को मैं कलर दे दूंगा रेड, क्योंकि ये प्रेजेंट लेवल्स के नीचे है। ब्रेकआउट हो गया। अब ब्रेकआउट होने के बाद स्टॉक ने क्या किया, स्टॉक ने अपनी जो कर्व पैटर्न है यहाँ पे कर दी कंप्लीट, कर्व पैटर्न कर दी कंप्लीट और इसका जो कलर है मैं चेंज करके कर देता हूँ ब्लैक, ब्लैक हो गया। थोड़ा और आगे जाएंगे एंड यहाँ पे स्टॉक पिछले दिनों एक सिंगल चैनल में काम करता है, इसको हम पैरेलल चैनल भी कह सकते हैं, चला। थोड़ा और जूम इन, हर जानकारी को हमें चेक करना है एंड फिर क्या हो गया, फिर ट्रेंड रिवर्स हुआ एंड स्टॉक्स आने लगे नीचे। अब मैं बेसिक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ हाई पॉइंट के साथ लो पॉइंट, तो क्या हमें देखने मिला है कि स्टॉक जो है यहाँ पे देखिए आज के सेशन में तकरीबन ब्रेकआउट होने की पूरी तैयारी है एक ये, एंड सारे लो पॉइंट्स को मैं जोड़ देता हूँ तो क्या पता चल रहा है हमें, फॉलिंग वेज पैटर्न का जो है स्टॉक का, मतलब आने वाले दिनों में ब्रेकआउट होने की संभावना है। इनफैक्ट पिछले 3 सेशन से इंक्लूडिंग आज का सेशन स्टॉक जो है कंसोलिडेट कर रहा है, ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। अब आने वाले दिनों में स्टॉक के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस कौन सा हो सकता है? अभी 623 के आसपास स्टॉक काम कर रहा है, बट जो रेजिस्टेंस है वो है 11 नवंबर की क्लोजिंग 670.15। लाइन ड्रॉ कर ली एंड इसको कलर हम दे देते हैं ग्रीन, क्योंकि ये प्रेजेंट लेवल्स के ऊपर है। अब लेवल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सो बड़ी तेजी कब देखने मिलने वाली है, मतलब जो तूफानी तेजी होती है जब स्टॉक इसके ऊपर बंद होगा, दैट इज 670.15, तब तब स्टॉक इस लेवल के आसपास जब जब जाएगा स्टॉक में गिरावट देखने मिलने वाली है। सो जो 2 दिन से लेके 5 दिन के आसपास काम करते हैं डिलीवरी लेके, 670 के आसपास जब स्टॉक आएगा तब आपको प्रेशर देखने मिलेगा, बिकवाली देखने मिलने वाली है। जिनको स्मार्टली काम करना है इस लेवल के आसपास जो है प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। नेक्स्ट उन्हीं ट्रेडर्स जो 2 दिन से लेकर 5 दिन तक काम करते हैं, 605 रुपये का स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। ये तकरीबन 3 सेशंस का लो है, 605, 606 के आसपास से, ओके 606 का लो है पिछले 3 सेशंस का। सो आपकी रेंज बन गई, 670 के आसपास आ गया प्रॉफिट बुक कर लिया, 605 के आसपास आ गया खरीदारी कर ली, बट हाँ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करना है। अब ये हो गए ट्रेडर्स की बात,
अब शॉर्ट टर्म की बात करेंगे तो सपोज 670.15 के ऊपर ब्रेकआउट हो जाता है एंड आने वाले 1 से 3 महीने में, यानी कि शॉर्ट टर्म में स्टॉक किस रेंज में फिर जा सकता है, वो है 700-735, 700-735 इस रेंज में स्टॉक जा सकता है। इसको हम दो टारगेट्स कह सकते हैं, दो रेजिस्टेंस कह सकते हैं या फिर एक रेंज कह सकते हैं, यहाँ पे स्टॉक आपको जाता हुआ दिखेगा। अब जिनको लंबी अवधि के लिए इन्वेस्टमेंट करना है इस स्टॉक में कर सकते हैं। गिरावट होती है तो कहाँ पे 575-500 लेवल थोड़े दूर लग रहे होंगे, बट हाँ स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक आपने देखा है पिछले कुछ सेशन में किस तरह से वॉलेटाइल होता है, तो ऊपर की तरफ से 10-10, 20-20, 30-30, 40-40% भी निकल जाते हैं। तो लेवल्स को नोट जरूर कीजिएगा एंड इन्वेस्टमेंट हम किसे कहेंगे जो कम से कम 3 महीने के लिए पोजीशन होल्ड करेगा उसे। आगे बढ़ेंगे, सोनाटा सॉफ्टवेयर पर स्टडी करेंगे, उसके पहले 40 सेकंड्स का अपडेट, और अपडेट ये है अगर आप डीमैट कॉम ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने का प्लान कर रहे हैं तो आप अपना अकाउंट fivepaisa.com के साथ ओपन कर सकते हैं। पहले इंपॉर्टेंट बात, अकाउंट ओपनिंग फ्री है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जैसे ही अकाउंट सक्सेसफुली ओपन हो गया यानी कि KYC भी कंप्लीट हो गया, आपके अकाउंट में 250 रुपीज़ क्रेडिट किए जाएंगे fivepaisa.com द्वारा एंड उन पैसों से आप आपकी पसंद के शेयर्स खरीद सकते हो। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, पहले महीने के लिए जो ब्रोकरेज चार्जेस पे करने हैं वो है 0 रुपीज़ पर ऑर्डर एंड पहले महीने के बाद इट इज़ 20 रुपीज़ पर ऑर्डर। एंड अगर अकाउंट ओपन करने का प्लान कर लेते हैं, मन बना लेते हैं, तो लेटेस्ट ऑफर fivepaisa.com वेबसाइट पे जाके ज़रूर चेक कर लीजिएगा एंड अप टू डेट इन्फॉर्मेशन होने के बाद ही अकाउंट ओपन कीजिएगा। साथ ही अगर आपको अकाउंट ओपन करना है हमारे रेफरल लिंक से तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा रेफरल लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके भी आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। एंड फिर से एक इंपॉर्टेंट चीज़ कहना चाहूँगा और वो ये है, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको जो भी चीज़ दिख रही है उसमें से कोई भी चीज़ स्पॉन्सर्ड नहीं है। अगर आप डीमैट अकाउंट हमारे रेफरल लिंक से ओपन करते हैं तो हाँ थोड़ा फ़ायदा उसमें हमारा ज़रूर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, सोनाटा सॉफ्टवेयर पर बात करेंगे एंड पिछली बार स्टडी की थी 31 जुलाई को एंड समझ में आ रहा था 791 का रेजिस्टेंस है, उसको निकाला, 830-880 को भी हिट कर दिया एंड अभी जो है स्टॉक देखिए पिछले दिनों तकरीबन एक हाई लगाया था 1000 का एंड अभी स्टॉक काम कर रहा है 830, मतलब ऑलमोस्ट 17% डिस्काउंट पे। अब क्विकली स्टडी करेंगे यहाँ पे हो क्या रहा है। देखिए पिछली बार जो स्टडी की थी ना उसी को हम कंटिन्यू करेंगे, ये जो ट्रेंड लाइन थी उसी ट्रेंड लाइन की तर्ज पे मैं और एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ। तो हमको देखिए क्या समझ में आया कि स्टॉक जो है एक पैरेलल चैनल में यहाँ पे काम कर रहा था। देखो एक ही पैरेलल चैनल में स्टॉक काम कर रहा था एंड जब स्टॉक इसमें से गिरा यानी कि ब्रेकडाउन हो गया तब स्टॉक ने सपोर्ट कहाँ लिया, पिछली बार जहाँ स्टॉक एक रेजिस्टेंस ले रहा था मतलब जो रेंज थी 790 के आसपास, उसी रेंज से स्टॉक जो है बाउंस बैक हो गया 775-780 के आसपास सपोर्ट लेके। ओके अब आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, यहाँ पे देखिए स्टॉक ने और किस तरह से अपनी पैटर्न कंप्लीट की, देखिए कर्व पैटर्न को कंप्लीट कर दिया एंड साथ ही अभी जिस पैटर्न में स्टॉक काम कर रहा है वो है ये असेंडिंग ट्रायंगल की पैटर्न, क्लियर। अब आने वाले दिनों का एक्शन, रेजिस्टेंस कौन सा लेवल है और वो लेवल है ये, सबसे पहले मैं लेवल लिख देता हूँ एंड द लेवल इज थोड़ा दूर लगेगा यहाँ से, इट इज 886.75 एंड वो कौन से दिन की क्लोजिंग है, वो है ये 8th of November, 8 नवंबर की हम बात कर रहे हैं, वो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन गया। स्टॉक धीरे धीरे इस ट्रेंड लाइन के साथ सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा एंड 886.75 जब जब स्टॉक उसके आसपास जाएगा स्टॉक में थोड़ी रुकावट देखने मिलने वाली है, अभी भी स्टॉक 50 रुपये वहाँ से दूर है। सो जो 2 दिन से लेकर 5 दिन तक काम करते हैं 880 के आसपास आएगा स्टॉक, तब आपको रुकावट देखने मिलने वाली है, बिकवाली देखने मिलेगी, प्रेशर देखने मिलेगा। अब उन्हीं ट्रेडर्स के लिए स्टॉप लॉस क्या है, वो है 808 रुपये, ये तकरीबन पिछले आई गेस 2 से 3 सेशन का लो है 808, वहीं से बाउंस बैक हुआ है 808, तो रेंज बन गई 810-880 रुपये अपने हिसाब से, मतलब प्लान कर लो रेंज के जिस हिस्से में पहले आता है आप प्लान कर सकते हैं कॉन्ट्रा प्ले करने का, मतलब 880 आया बेच दिया, 810 के आसपास आया थोड़ा खरीद लिया, तो ये हो गई रेंज। अब शॉर्ट टर्म की बात करते हैं, 886.75 इसके ऊपर बंद होना शुरू हो जाता है, ब्रेकआउट मिल जाता है, तो जैसे ही 886.75 को निकाला उसके ऊपर सस्टेन किया, आने वाले 1 से 3 महीने में स्टॉक किस रेंज में जा सकता है, वो है 930 एंड 975, 930-975 इस रेंज में स्टॉक आराम से जाता हुआ दिखेगा। जिनको इन्वेस्टमेंट करना है लंबी अवधि के लिए, बढ़िया क्वालिटी का स्टॉक है, 800-700 रुपये के आसपास स्टॉक मिलता है, आप बिना किसी झिझक के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, फंडामेंटली बहुत ही अच्छा स्टॉक है। ओके सो फ्रेंड्स, दो स्मॉल कैप अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में हमने बात की, जहाँ पे अगर करेक्शन और गहराता है तो आप बिना किसी डर के मतलब पोजीशन होल्ड कर सकते हैं एंड स्टॉक का नाम है जेके लक्ष्मी सीमेंट एंड सोनाटा सॉफ्टवेयर। एंड वीडियो के माध्यम से जो स्टडी आपके साथ पेश की है लगी कैसी है तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर एंड आप चाहते हैं मैं आपके लिए किसी पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर स्टडी करूँ तो स्टॉक का नाम कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए
एंड साथ ही कितने समय के लिए स्टॉक को होल्ड करने का प्लान कर रहे हैं वो भी मेंशन जरूर कीजिए। एंड जैसे शुरुआत में कहा था, अगर इस करेक्शन में आपने किसी स्टॉक को परचेस किया तो प्लीज़ स्टॉक का नाम भी बताओ एंड कितने समय के लिए होल्ड करने का प्लान कर रहे हैं वो भी बताइए। ओके, मज़ा आएगा जानने में। तो शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।